जिला विधिक जागरूकता के तहत आज हमारे एपी मेमोरियल कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो मीडिएशन के रूप में, समझौता के रूप में आज उसका कार्यक्रम किया गया। जो भी समझौता के मामला आए वो कोर्ट से समझौता बताया गया कि समझौता क्या होता है, कैसे कराया जाता है। आज व्यवहार न्यायालय के लोग भी यहाँ आए और डालसा के भी लोग यहाँ आए और बच्चे लोग को भी और सारे लोग को, बच्चे लोग को, कर्मचारी लोग को, जो भी है सबको बताएं कि मीडिएशन क्या, कैसे किया जाता है, समझौता कैसे किया जाता है। और हमारे महाविद्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। गया में जिला विधिक प्राधिकार द्वारा मध्यस्थता जागरूकता माध्यम से मुकदमे में समझौता गोष्ठी का आयोजन अनीश पंकज मेमोरियल विधि महाविद्यालय में किया गया। जागरूकता गोष्ठी का उद्घाटन महाविद्यालय परिवार के गवर्नर, बॉडी के सदस्य डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा सहित महाविद्यालय के प्रोफेसरगण और अधिवक्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। जागरूकता अभियान को संबोधित करते हुए डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा, समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका उद्देश्य विवादों को सुलझाने के लिए वैकल्पिक उपायों को बढ़ावा देना है। यह प्रक्रिया न केवल न्यायालयों पर बोझ को कम करती है बल्कि पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवादों का समाधान भी सुनिश्चित करती है। वहीं अधिवक्ता उमेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि मध्यस्थता एक सरल और प्रभावी विधि है जिसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष दोनों पक्षों के बीच बातचीत करता है। यह प्रक्रिया स्वैच्छिक है और इसका लक्ष्य समझौते पर पहुंचना होता है। जिला विधिक प्राधिकार इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमें स्थानीय नागरिकों, वकीलों और समाज के विभिन्न वर्गों को आमंत्रित किया जाता है। वहीं राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता ने कहा कि इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को मध्यस्थता की प्रक्रिया, उसके लाभ और कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाती है। मध्यस्थता से समय और धन की बचत होती है और एक सहयोगात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान होता है। जागरूकता गोष्ठी में सुशील कुमार, अमन जैन, रामानुज कुमार, विकास कुमार, श्याम किशोर मिश्रा, सपना राजमणि, अमरेंद्र कुमार, डॉक्टर मिहिर कुमार, सपना कुमारी, नेहा कुमारी ने अपने विचार रखे। जिला विधिक जागरूकता के तहत आज हमारे एपी मेमोरियल कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो मीडिएशन के रूप में, समझौता के रूप में आज उसका कार्यक्रम किया गया। जो भी समझौता के मामला आए वो कोर्ट से समझौता बताया गया कि समझौता क्या होता है, कैसे कराया जाता है। आज व्यवहार न्यायालय के लोग भी यहाँ आए और डालसा के भी लोग यहाँ आए और बच्चे लोग को भी और सारे लोग को, बच्चे लोग को, कर्मचारी लोग को, जो भी है सबको बताएं कि मीडिएशन क्या, कैसे किया जाता है, समझौता कैसे किया जाता है। और हमारे महाविद्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए गया से प्रदीप रंजन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।